देखिए, एक स्टेबलाइजर है 1 KVA का, ठीक है, जिसका इनपुट रेंज है 90 से 300 वोल्ट और आउटपुट वोल्ट रेंज है 200 से 250 वोल्ट। अब यहाँ पे इसके फ्रंट साइड में देखिए, यहाँ पे जो डिस्प्ले आपको शो होगा ये है इसका यहाँ पे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम है इसका जो है आउटपुट नहीं रिलीज हो रहा है, यानी आउटपुट निकल नहीं रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो इसमें 4 रिले यूज किए गए हैं, ठीक है। एक IC यूज की गई है, जो एक मिनट दिखा रहे हैं, इसका नंबर ये UL-N 2003A, ये आप लुमिनस इकोवाट और सब में देखे होंगे, क्या नाम है, ये रिले ऑपरेटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर चारों रिले को इसके द्वारा ड्राइव किया गया है, इसमें कोई भी ड्राइवर ट्रांजिस्टर नहीं यूज किया गया है, इसी IC से यूज किया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो ये पिन नंबर 1 यहाँ से है, ऊपर से इस साइड से, और पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर यहाँ पे ये ग्राउंड हो जाएगा। और इसको जो फीडबैक की सप्लाई ली गई है ये यहाँ से लिया गया है, इस ट्रांसफार्मर से। तो एक डायोड और ये कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे। अभी आपको डायग्राम में दिखाते हैं, और डिस्प्ले के लिए ये वायर गया है जो यहाँ पे गया है, ठीक है। चलिए इसके प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए अभी रिले ऑन नहीं हुआ, अभी ये देखिए आवाज़ हुआ लेकिन आउटपुट नहीं शो हुआ, क्या बता रहा है, हाई। अब चलिए इस फॉल्ट को देखते हैं कहाँ पे है, यानी हाई का मतलब ये जो है कहीं से कोई प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है, चलिए दिखाते हैं आपको। अब इसे AC के रेंज पे कर देते हैं। AC के रेंज पे करने के बाद अब चलिए इसके फॉल्ट को हम चेक करते हैं। पहले इसको हम सबसे कम रेंज पे कर लेते हैं, जहाँ पे 90 यानी 90 से 300 वोल्ट इनपुट। तो इनपुट ये है और आउटपुट यहाँ पर मिलेगा मल्टीमीटर में। देखिए फॉल्ट को कैसे चेक करते हैं, तो ये हम 90 वोल्ट करते हैं इसे, दो सौ बीस देखिए 90 वोल्ट से यहाँ पे ये 100 वोल्ट के आसपास शो हो रहा है और आउटपुट मिल रहा है 220। अब ये जो है इनपुट, इसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं, आउटपुट किस स्टेप पे जाके रुकता है ये देखिए, 110 वोल्ट पे एक रिले ऑन हुआ जो कि 203 वोल्ट सप्लाई हुआ। फिर आगे बढ़ाते हैं, 135 वोल्ट पे रिले ऑन हुआ तो 209 वोल्ट हुआ। फिर ये 156 वोल्ट पे रिले ऑन हुआ तो 202 वोल्ट हुआ। फिर 190 185 190 पे रिले ऑन हुआ तो ये हो गया 244 वोल्ट। फिर ये 217 वोल्ट इनपुट हुआ और आउटपुट 0 हो गया, ठीक है। तो फॉल्ट कहाँ हुआ, इसको कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इस कंडीशन में ये सप्लाई की क्या पोजीशन है, ये इनपुट हुआ, ठीक है, 213 वोल्ट इनपुट हुआ,
आउटपुट पे कोई भी वोल्टेज नहीं है। दूसरे वाले रिले पर देखेंगे इनपुट आउटपुट साइड से तो 271 वोल्ट है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखें ये 272, यहाँ पे 328 वोल्ट। तीन सौ सात वोल्ट। अब यहाँ पर देखिए ये हमने जो है ये इधर से इनपुट साइड से हमने दूसरा रिले ये जो है चेंज किया है। ये भी थोड़ा मेमोरी फुल हो गया था तो मोबाइल से वो कट गई थी वीडियो। देखिए यहाँ पे हमने जो है इसका दूसरा रिले चेंज किया है, यानी एक ये इनपुट साइड से, एक ये दूसरा ये 90 से 140 तक काम करता है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट ये 200 कुछ वोल्टेज पे ये कट ऑफ हो रहा था हाई, तो हमको जिस वोल्टेज के रेंज पे फॉल्ट हो उसी का रिले हमको चेक करना चाहिए, ठीक है। तो ये 200 के आसपास का रेंज है यहाँ पे, फिर इसके ऊपर वाला ये है। फिर चलिए आगे दिखाते हैं अभी आपको आउटपुट मिला कि नहीं मिला। ये ऑन कर दिए 132 वोल्ट। ये है क्या नाम है इनपुट मल्टीमीटर का प्रयोग यहाँ पे लगाते हैं। अभी रिले ऑन होगा तब यहाँ आउटपुट मिलेगा 204 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे 133 वोल्ट और यहाँ 204 वोल्ट। अब ये 204 वोल्ट इनपुट पे ये कटा था, तो देखिए 160 वोल्ट इनपुट पे रिले ऑन हुआ। फिर इसके बाद नेक्स्ट 190 पे रिले ऑन हुआ तो फिर 204 वोल्ट आउटपुट हुआ। फिर ये है यहीं पे ये कट जाता था आउटपुट, ठीक है। तो अब इसके ऊपर वोल्टेज नहीं जा रहा, 1 मिनट। इनपुट देखिए 244, मैक्सिमम 300 इनपुट है तो 300 पे 250 वोल्ट ठीक आउटपुट है। अब इसके ऊपर होगा तो ये कट जाएगा, यानी 300 वोल्ट से ज़रा सा भी ज़्यादा होगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा। अब इसे जैसे हम 290 लाते हैं, 93, 93, देखिए ये आउटपुट आ गया, ठीक है यहाँ पे, यानी 280 90 90 तक रहेगा, 258 तुरंत ही कट जाएगा 290 और 300 के बीच। अब यहाँ पर देखें हमने जो है एक बात और इसमें देखा है, जो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल का जो है यहाँ पे कनेक्शन है ये नेगेटिव से इसके कैपेसिटर के, तो ये जो फीडबैक वाला वायर आ रहा है तो यहाँ जो आउटपुट से जुड़ा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट जो है न्यूट्रल यहाँ पे नेगेटिव से जुड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद इनपुट का सेंसिंग जो है यहाँ से ही ये दिया गया है जो कि डिस्प्ले पे जाएगा यहाँ। तो इसकी सर्किट डायग्राम को देखेंगे तो ये डिस्प्ले साइड में चला जाएगा, ये पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर ग्राउंड है जो यहाँ से जुड़ा हुआ है। इस कैपेसिटर पे 470 50 वोल्ट लगे हैं। ये फीडबैक की वायर आती है यहाँ से, यहाँ ट्रांसफार्मर से, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ बिना ड्राइवर के ये लगे हुए हैं। यहाँ पे एक रिले आउटपुट का जो ब्लैक है, ठीक है, 12 वोल्ट है। यहाँ पर देखें 12 वोल्ट सब है, ठीक है।
ये 7 एम्पियर 12 वोल्ट आउटपुट का, और ये इसका नंबर है KT 630 12 वोल्ट। तो ये है सर्किट डायग्राम। यहाँ पे इनपुट है, जो इनपुट यहाँ से इन होगा यहाँ पोल से, फिर ये आउटपुट है, आउटपुट का रिले जो ब्लैक वाला है, यानी तीन रिले ये और एक चार, तीन रिले ये और एक चार। स्टेबलाइज़र के बारे में और डीपली नॉलेज चाहिए तो हमारे चैनल के होम पेज पे जाकर, वहाँ प्लेलिस्ट होगा स्टेबलाइज़र का, वहाँ पर आप जाएंगे तो बहुत सारे स्टेबलाइज़र के ऊपर हमने वीडियो बना रखे हैं, जिसमें कुछ कुछ में हमने जो है बहुत ही डीपली नॉलेज उसमें दिया है, जो कि आपको और कहीं भी जगह पर नहीं मिलेगा, ना किसी बुक में ना किसी वीडियो में जो हमने उसमें बनाया है। क्योंकि बहुत सारे स्टेबलाइज़र रिपेयर करते रहते हैं, लेकिन उसकी जो डीपली नॉलेज है या थ्योरी है वो चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं होती। और हमारे इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों को बताया कि कैसे काम करता है, कैसे उसकी टेस्टिंग की जाए, कैसे उसके कनेक्शन होते हैं 5 स्टेप, और बाकी सारी चीज़ों को एक एक क्लियर करके हमने जो है उसमें बहुत डीप में नॉलेज दिया है, जो आपको अदर कहीं जगह पर आज तक नहीं मिला होगा। वो आप जाकर वहाँ पर देख लें, ढूंढ लें, जो 4-5 वीडियो हैं या 6 वीडियो हैं, अगर 5-5 मिनट के 10-10 मिनट के वीडियो हैं तो आपको जैसे आधे घंटे में 30 मिनट हुआ, 1 घंटे में 60 मिनट हुआ, तो 60 मिनट में जैसे 6 वीडियो आप देखें तो 6 वीडियो आपको 6 लाख रुपए तक कमा सकती है। ठीक है, यानी उससे कई गुना आपको इस नॉलेज से बहुत कुछ आप नया स्टेबलाइजर बना सकते हैं, नया स्टेबलाइजर असेंबल कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं पुराने स्टेबलाइजर को, पुराने स्टेबलाइजर को नए में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इस सिस्टम को अगर समझ लेंगे तो आप जो है बहुत ईजी तरीके से रिपेयरिंग सीख जाएंगे या असेंबलिंग सीख जाएंगे, क्योंकि नया भी बनाने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो नए वर्जन पुराने वर्जन हमने सबको मिक्स करके सारी चीज़ों को क्रिएट करके समझाया है उसमें, यानी पुराने मॉडल का जो डिज़ाइन होता था पहले उसके अनुसार भी हमने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया है, और इस समय के नए प्रोग्रामिंग के ऊपर भी, और वी गार्ड लिप गार्ड जो इन्वर्टर हैं उनमें जो प्रोग्रामिंग होता है उसे कैसे नॉर्मल आप इस और भी ऑटोमेटिक बोर्ड को वहाँ पर लगा सकते हैं, जो लेटेस्ट इस समय आ रहे हैं, जो यूनिवर्सल बोर्ड आप उसके जगह पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें 90 से 300 वोल्ट इनपुट है, 200 से